बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर हमेशा से कांग्रेस और गांधी परिवार रहा है। स्वामी गांधी परिवार को लेकर अब तक कई खुलासे कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटा है। एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को बुद्धू बताया है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से 2019 में उनको नोटिस भेजा गया था। स्वामी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दो बार सवाल खड़े कर चुके हैं। स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की बात कही थी। इसके बाद एक यूजर ने स्वामी को टैग करते हुए लिखा कि गृह मंत्री ने अभी तक 2019 में ब्रिटिश नागरिकता पर भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर कार्रवाई नहीं की है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद ने लिखा कि गृह मंत्री अभी शरद पवार के साथ गुप्त बैठक करने में व्यस्त हैं। बुद्धू की भारतीय नागरिकता अभी तक खत्म नहीं हुई है। आपको बता दें कि 2019 में गृह मंत्रालय ने कांग्रेस नेता को नोटिस भेजते हुए कहा था कि हमें सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से अर्जी मिली है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में 2003 में पंजीकृत कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स में शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक स्वामी का कहना है कि ब्रिटिश कंपनी के 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को भरे गए वार्षिक टैक्स रिटर्न में गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है। साथ ही उन्हें ब्रिटिश नागरिक भी बताया गया है। आपको बता दें कि स्वामी इससे पहले भी कई बार गांधी परिवार पर हमला बोल चुके हैं। हाल के दिनों में उन्होंने गांधी परिवार को लेकर कई खुलासे किए हैं। हालांकि इन दिनों स्वामी अपनी पार्टी बीजेपी से भी नाराज चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।